अरे कोई मदद करो, अरे अरे मदद करो भाई, अरे अरे कोई है, मदद करो, अरे नाव डूब रही है, कोई मदद करो, कोई है, अरे मदद करो, कोई है। ये क्या, ये पक्षी वहाँ ऐसे शोर मचाते हुए इस तरह उड़ क्यों रहे हैं? ये कौन रो रहा है? ये कौन है? अरे बच्चा, नहीं नहीं बेटे, ऐसे नहीं रोते, मत रो मत रो मत रो। किसका बच्चा है तू बेटा? यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं दिख रहा। नहीं है, इस सुनसान द्वीप पर भला कौन हो सकता है यहाँ? भूख लगी है ना? भूख लगी है ना तुझे? रुक जा, मैं लाता हूँ। लाता हूँ, रुको। ले, पी ले बेटा। तेरी हंसी बिल्कुल धूप की तरह जगमग है, इसलिए आज से तेरा नाम होगा झिलमिल, समझी? देखो कैसे हंस रही है। ये तो हंस रही है। तुझे अपना नाम पसंद आया ना? ये तो फिर हंसी। सो जा झिलमिल, सो जा धूप की बेटी, सो जा। अब तुम हो जाओ थोड़ी बड़ी, आजा निंदिया रानी, आजा। तेरे लिए मैं एक झूला बना दूंगा, तू मजे से झूलना झूलना और हंसना। सो जाओ झिलमिल, सो जाओ धूप की बेटी, सो जाओ। ये बहुत अच्छा बना है। अब झिलमिल इसमें रोज झूला झूलेगी, पर मुझे क्या कह के बुलाएगी? दैत पर मैं इसका कौन हूँ? कोई भी तो नहीं है। कोई भी नहीं। पर इंसान बूढ़ों को कुछ तो कहते हैं ना, दादा। दादा, ये मुझे दादा कहेगी। हाँ, झूला झूले झिलमिल झिलमिल, झूला झूले रे। इसकी हंसी बहुत है प्यारी, सबके दिलों में राज करे ये। अरे अरे अरे, ये देखो इसे कैसे घुटनों पर चल रही है। अरे सुनो, आज मैं तुम्हें मछली खिलाऊंगा, देखना कितना अच्छा लगेगा खाने में। हाँ, ये देख। हाँ, मैं एक दैत्य हूँ। जब तू सब समझने लगेगी ना, तब तो तू मुझे देखकर डरेगी बेटा, है ना? अरे वाह, मेरी बच्ची तो बात करना सीख रही है। बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, मछली मछली मछली। ओ
हाँ, ये क्या खाना सामने रखकर रो क्यों रही हो तुम? सुनिए जी, मेरी बेटी कभी वापस नहीं मिलेगी क्या मुझे? रानी, दुख मुझे भी होता है। जैसे वो तुम्हारी इकलौती बेटी है ना, वैसे ही वो मेरी भी आँखों का तारा है। आज 3 साल हो गए हैं, कितनी बड़ी हो गई होगी मेरी बेटी। आप मेरी सोने जैसी मल्लिका को वापस ले आइए। लेकिन मैंने तो हर जगह लोगों को भेज कर ढूंढवाया है रानी। अरे आप हमेशा यही बात क्यों कहते हैं? सुनिए ना, उस रात जहाँ पर हमारी नाव डूब गई थी, याद है आपको? वहाँ पर फिर से लोगों को भेजिए ना, शायद कुछ पता चल जाए। ठीक है, ऐसा ही करूँगा। अब तक लोगों को भेज कर भी कोई खबर नहीं मिली है हमें, इसलिए इस बार मैं खुद ही वहाँ जाऊँगा। खुद ही जाकर मैं ढूंढूंगा अपनी मल्लिका को। चलो रानी, अब तो तुम कुछ खा लो। ये हो तुम, और ये मैं, और ये है एक मछली। खाओगे तुम? मछली खाओगे? लो ना, लो ना, खाओ ना मछली, खाओ। उस आदमी को मत देना। अरे नहीं 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 नहीं, अरे अरे, मैं तो तुम्हारा दादा हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, झिलमिल। मेरा चेहरा इतना डरावना है कि झिलमिल मुझे देखते ही डर जाती है। हाय रे हाय, खाना रख दिया है झिलमिल। देखते देखते कैसी बड़ी होती जा रही है मेरी झिलमिल। नहीं नहीं नहीं, अब मैं इसके सामने नहीं जाऊंगा, वो मुझसे डरती है, पर मुझे उसे छूकर प्यार करने का बहुत मन होता है। क्या आप मुझे भी ले चलेंगे? तुम कहाँ जाओगी? अपनी बेटी को ढूंढने। देखो रानी, रास्ते में काफी परेशानियाँ आएंगी और तुम्हें तो पता ही है, और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं उसे तुम्हारे पास ही लेकर आऊंगा ना। आपको याद तो है ना, उसके बाएं कान के नीचे एक तिल है। वो क्या मुझे पता नहीं है? याद है, मुझे सब कुछ याद है। तो फिर अब मैं चलूं? बेटी, अगर मैं नजदीक गया तो तू तो डर जाएगी मुझसे। दादू। हाँ बेटी, मैं यही हूँ। मैं डरने की कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं, मैं यही हूँ। हे, सभी मेरे साथ आगे बढ़ो, आज इस द्वीप को हमें अच्छे से ढूंढना होगा। हाँ हे, कौन हो तुम? क्यों, आपको क्या काम है? ये मेरे दैत्य दादू हैं। दैत्य? क्या ये आपकी बेटी है? ये लड़की आपको कहाँ मिली? पड़ी हुई थी। कहाँ पड़ी हुई थी? वो वहाँ। मतलब कितने दिनों पहले, मतलब कितने साल पहले? कुछ साल पहले, और तब झिलमिल बहुत छोटी थी, इतनी सी। दादे दादू, चलिए अब घर चलिए, चलिए ना, चलिए। यही है, इसके कान के नीचे तिल है। मल्लिका, मेरी बच्ची। मेरा नाम मल्लिका नहीं है, मेरा नाम झिलमिल है। अरे मल्लिका, तुम मेरी बच्ची हो। ओ दादे दादू, घर चलिए ना। अरे तेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया बेटा, चलो बेटी घर वापस लौट चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं दादे दादू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटी, ये जिंदगी तेरी जिंदगी नहीं है, तू इंसान की औलाद है,
राजकुमारी है तू, जा जा बेटी, जा जा इनके साथ जा। हाँ, तुझे एक अच्छी जिंदगी मिलेगी, जा बेटी। नहीं नहीं नहीं, आप लोग चले जाइए यहाँ से, आप लोग चले जाइए। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है तो दादू को भी साथ ले चलते हैं ना, अब वो भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे, अब तो चलो चलो। कहते दादू आप भी चलेंगे? ठीक है, अगर तुझे एक अच्छी जिंदगी मिले तो मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं है बेटी, कोई आपत्ति नहीं है, जरूर चलेंगे। वो अपनी सही जगह पर ही है। मुझे उनके पास ले चलिए। अभी नहीं बेटा, बाद में दासी मल्लिका के लिए खाना लाओ। चलिए दादे दादू, हम यहाँ से भाग जाते हैं, ये लोग बहुत बुरे हैं। कहाँ जाएंगे हम लोग? कहीं दूसरी जगह जहाँ राजा हमें ढूंढने नहीं जा पाएंगे, ये बहुत बुरे लोग हैं। अच्छा ठीक है, चलो बेटी। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, पर वो रिश्ते दिल के बहुत करीब होते हैं, जैसे हमारी इस कहानी के झिलमिल और उसके दैत्य दादू।